हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को आप बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, यह है सूरजपुर ज़िला और यह है बलरामपुर। यहाँ के जो दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो 1978 में बने हैं, तमोर पिंगला जो कि सूरजपुर में है, ये छत्तीसगढ़ का बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बलरामपुर में है सेमरसोट। ये आप ध्यान में रखेंगे, दोनों 1978 में बने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1975 में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनेंगे। जशपुर में बनेगा बादल खोल जो कि स्मॉलेस्ट होगा पूरे छत्तीसगढ़ में, स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ छत्तीसगढ़। और सेकंड है गुमरदा जो कि पहले रायगढ़ में था और अब है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, ये सोन कुत्ता के लिए बहुत फेमस है। ये 1975 में बनेंगे दोनों। छत्तीसगढ़ के एक कोने से दूसरे कोने में अगर आप पैदल चल के जाएंगे तो उसी साल 1975 में एक बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर से बनेगा जिसका नाम रहेगा अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, ये भी 1975 में। तो कुल तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में बनते हैं। 1975 के ठीक एक साल बाद 1976 में आपका बनेगा बार नवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बड़ौदा बाजार प्लस महासमुंद के कुछ एरिया में फैला हुआ है। 1976 के बाद आप एक ईयर याद रखेंगे जो कि है 1983। इसमें तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके बनेंगे, बीजापुर में भैरमगढ़ और पामेड़। ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीजापुर में बनेंगे और गरियाबंद में बनेगा आपका उदंती। तो उदंती, भैरमगढ़ और पामेड़ तीनों 1983 में बनेंगे। उदंती जो है वो गरियाबंद में है और पामेड़ और भैरमगढ़ बीजापुर में। इसके बाद इन सभी ईयर में सबसे ओल्डेस्ट ईयर है 1974, जो कि धमतरी में बनेगा यहाँ पर सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि छत्तीसगढ़ का ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि 1974 में बना है। और छत्तीसगढ़ का न्यूएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 2001 में बना है वो है भोरमदेव, जो कि कवर्धा जिले में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरे के पूरे 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर याद हो जाएंगे अगर आपसे आप ईयर वाइज और मैप में बेस करके इसको करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।